आज कलेशियाओं के अंदर एक गलत बात एंटर हो चुकी है और वो यह है, लोग सोचते हैं अगर कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई पास्टर मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तभी मैं चंगा होऊंगा और वो लाइनों में लगते हैं मगर उनका नंबर नहीं आता। आज कुछ लोग परमेश्वर से मुफ्त में वरदान को पाकर व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई चर्च नहीं बल्कि डॉक्टर की दुकान या क्लिनिक चला रहे हैं। अगर तुमको सेवकाई का बोझ नहीं था तो नहीं करनी थी सेवकाई। और पैसा लेकर ले हैंड करने वालों, तुम क्या कहना चाहते हो कि जिसके पास पैसा नहीं है या जो व्यक्ति कर्जा नहीं कर सकता, उधार नहीं ले सकता, उसे चंगाई नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। आज कलेशियाओं के अंदर एक गलत बात एंटर हो चुकी है और वो यह है, लोग सोचते हैं अगर कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई पास्टर मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तभी मैं चंगा होऊंगा या होंगी, और इसीलिए लोग दूर दूर जाते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में ले हैंड करवाने के लिए और वो लाइनों में लगते हैं मगर उनका नंबर नहीं आता और वो अपनी बीमारियों में ही मर जाते हैं। और कुछ लोग प्रार्थना कराने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर पैसे लिए जाते हैं, जैसे कि 25,000, और लोग पैसे देकर भी चंगे नहीं हो पाते और बीमारी की अवस्था में ही मर जाते हैं। क्या उन प्रॉफिट, पास्टर, अपोस्टल का परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है? क्या वो आपका पिता नहीं है? मगर ये इसलिए होता है कि ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल ही मुझे चंगा करेगा ले हैंड के द्वारा। कोई भी पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल सिर्फ परमेश्वर का दास है या सेवक है। चंगाई देने वाला, चंगा करने वाला सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है। तो फिर आप उससे डायरेक्ट प्रार्थना क्यों नहीं करते? अगर आप अपनी गलतियों को मान ले और सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और सभी पाप और अधर्म को छोड़ दे और सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो वह आपको डायरेक्ट चंगाई दे सकता है, जैसा कि लिखा है याकूब 5:15 में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो इसलिए मैं उन बीमार व्यक्तियों से जो ले हैंड पर भरोसा रखते हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से डायरेक्ट प्रार्थना करें। आपको लाइन में लगने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और जो लोग पैसा लेकर के प्रार्थना करते हैं उनसे मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा कि लिखा है मत्ती 21:13 में, और यीशु ने उनसे कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा तो उन्हें आज्ञा दी कि तुमने मुफ्त में पाया है और तुम मुफ्त में दो, और चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा मानी और चेलों की सेवकाई में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम होते थे। आज कुछ लोग परमेश्वर से मुफ्त में वरदान को पाकर व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई चर्च नहीं बल्कि डॉक्टर की दुकान या क्लिनिक चला रहे हैं। अरे, लोगों को चंगाई देने के लिए यीशु मसीह ने मार सही, उसने अपने ऊपर कोड़े खाए ताकि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। अरे संभल जाओ, वरना यीशु मसीह तुम्हारी दुकानों को उलट देगा और परमेश्वर का श्राप तुम पर आ सकता है। अगर तुमको सेवकाई का बोझ नहीं था तो नहीं करनी थी सेवकाई। और अगर तुम्हारी कलेशियाओं में बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं तो अपने नीचे पास्टर नियुक्त करो जो आपके साथ मिलकर सब बीमारों के लिए प्रार्थना करें। या फिर ऐसा है अब तक आप अपने नीचे कोई पास्टर तैयार ही नहीं कर पाए, या फिर आपको घमंड है कि आपके अलावा कोई लोगों को चंगा नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को गिराएंगे तो लोग गिरेंगे, आप उसे कहेंगे उठ तो वो उठेगा। या फिर आपको डर है कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा, मेरी प्रार्थना में वाहवाही नहीं होगी। अभी समय है, सुधर जाओ। चर्चों में नौटंकियां, नाटक और झूठे ढोंग करना बंद कर दो, वरना फिर एक दिन प्रभु कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता और तुम्हें वहां डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। और पैसा लेकर ले हैंड करने वालों, तुम क्या कहना चाहते हो कि जिसके पास पैसा नहीं है या जो व्यक्ति कर्जा नहीं कर सकता, उधार नहीं ले सकता, उसे चंगाई नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तुमको देने के लिए? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बना रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ताकि सब तक ये बात पहुंचे और सुनने वालों पर गवाही हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।